अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके फ्लिपकार्ट ऐप के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। क्योंकि अधिकतर न्यू क्रेडिट कार्ड होल्डर के मन में एक डाउट जरूर रहता है कि हम क्रेडिट कार्ड से जब ईएमआई पर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट कितना पे करना होता है, और जब हम क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर फ्लिपकार्ट के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको सही करना होता है। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर ईएमआई कर लेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ लगाती हैं, तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करना है, उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर परचेज करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको Realme X7 5G मोबाइल को क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर परचेज करके बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड ईएमआई करने के लिए आपको यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस भी मिल जाता है, तो व्यू प्लान पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक बार आपको चेक कर लेना है आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उस पर नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल होगी तो आप जो भी ईएमआई करेंगे आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कोई भी नहीं लिया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी आपके उतना ही अमाउंट आपको ईएमआई में पे करना है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस नहीं है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करके अपना ईएमआई बनाना होगा, तो यहाँ पर भी आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होना जरूरी है तो ही आप अपने प्रोडक्ट पर क्रेडिट कार्ड ईएमआई कर पाएंगे। प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपका प्रोडक्ट मोबाइल है तो आपको यहाँ पे कवर और ग्लास का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आपको स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अपने मोबाइल का इंटरफेस शो हो जाएगा, आई मीन जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं वो आपके सामने उसकी डिटेल शो हो जाएगी, जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया। उसके बाद आपके मोबाइल की प्राइस डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, आपके कार्ड पर डिस्काउंट है या फिर नहीं है, वो सब आपके सामने यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का इनवॉइस यानी कि बिल ईमेल पर लेना चाहते हैं तो आपको ऐड ईमेल पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करना है और सेव कर लेना है। जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका बिल ईमेल पर सेंड किया जाएगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो मेन पेज जो हमारा आता है पेमेंट इंटरफेस वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो आपने ऐड किए हुए हैं वो शो होंगे। तो हमें ये प्रोडक्ट ईएमआई पर परचेज करना है तो हमें डाउन में स्क्रॉल करना होगा, उसके बाद ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करना है। इजी इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड शो होंगे, तो मेरे पास यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड ऐड किया हुआ था। अगर आपके पास में ऐड किया हुआ नहीं होगा तो आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना होगा। उसके बाद आपके ईएमआई प्लान यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 महीनों से लेकर 24 महीनों तक ईएमआई प्लान होते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर। वैसे अधिकतर 3 to 6 मंथ के जो भी ईएमआई प्लान होते हैं वो नो कॉस्ट ईएमआई होते हैं, लेकिन फिलहाल में इस मोबाइल पर नो कॉस्ट ईएमआई प्लान नहीं है तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करके ईएमआई करनी होगी। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई प्लान मिलते हैं तो आपको उतना ही अमाउंट पे करना होगा जितना प्रोडक्ट का फुल अमाउंट है, आपको एक्स्ट्रा 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको कोशिश करनी है आप नो कॉस्ट ईएमआई में ही प्रोडक्ट को परचेज करें। अपना जो भी ईएमआई टेनर है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू से पहले आपको यहाँ पे एक बार अपना इंस्ट्रक्शन देख लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट चार्जेड बाय बैंक यानी कि क्रेडिट कार्ड वाले आपसे यहाँ पे चार्ज लेंगे। अपना टेनर सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेन इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, आपका क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, उसके बाद ईएमआई इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसकी ईएमआई 8 वर्किंग डेज में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार ये इंस्ट्रक्शन चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर वापस क्लिक करना है। यहाँ पर आपको CVV एंटर करना है अपने क्रेडिट कार्ड का और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप CVV एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ क्लिक करना है और आपके जो भी OTP आए हैं 1 टाइम पासवर्ड आपके क्रेडिट कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा,
उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आइए हम ओटीपी को एंटर करते हैं। ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और 4 to 5 days में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगर फ्लिपकार्ट पर क्रेडिट कार्ड EMI से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।